हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। तो ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ कच्चू की सब्ज़ी। हम लोग यहाँ इसे कच्चू बोला जाता है, कई जगहों पे इसे अरबी की सब्ज़ी भी बोला जाता है, अरबी भी बोला जाता है, सॉरी। तो ये देखिए, मैं यहाँ छील रही हूँ कच्चू को और मैं किस प्रकार से बनाती हूँ गाइस, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैं अच्छे से इसको छील लेती हूँ और इसे मैं कट करके भी दिखाऊँगी कि किस प्रकार से इसके काटा जाता है। ये देखिए, मैंने आपको प्लेट पर रखकर दिखा दिया। तो ये देखिए, मैंने काटा है, अभी और आपको कट करके दिखा देती हूँ गाइस। इसे लंबे लंबे साइज में काटा जाता है और ये इसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है गाइस। इसका चोखा भी बनता है, वो भी मैं आपको एक बार आपको दिखाऊँगी गाइस किस प्रकार से बनता है। और इसका कच्चू के पत्ते, जिसे हम लोग बोलते हैं गिरवच, उसकी भी रेसिपी मैं आपको बहुत ही जल्द डालूंगी गाइस। तो ये देखिए, ये सब्ज़ी हमारे घर में सभी को पसंद है। मैं इसे 2 से 3 पानी में धोऊंगी अच्छे से। अभी इसके पानी में भिगोकर इसे 5 या 10 मिनट छोड़ दूंगी। उसको अच्छे से मल मल कर इसको 2 से 3 पानी से वॉश करूँगी। तब तक मैं यहाँ मसाले की तैयारी कर लेती हूँ, इस तरह से कर कर मैं रख दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं लहसुन, जीरा, ये काली और सब पीली सरसों, ये काली मिर्च और यह धनिया, ये खड़ी लाल मिर्च जिसकी डंठल मैं तोड़ रही हूँ, ये देखिए 4 या 5 होगी, इसे मैं मिक्सर के जार में डाल अच्छे से सब पेस्ट मसाला बनाकर पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं मिक्सर के जार में पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा और इसे एकदम चिकना पेस्ट बनाकर रेडी करूँगी। और उधर मेरे पास 10 मिनट तक कच्चू जो पानी में मैंने भिगो कर रखा है अच्छे से फूल चुका है, और इसे 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करूँगी। ये देखिए, और गाइस क्या ही बताऊँ, गर्मी तो इस कदर पड़ी है हम लोग यहाँ पर ना कि मत ही पूछिए। कुछ खाना बनाने का तो मन ही नहीं जा रहा है, और बट क्या करूँ, पेट है कि मानता ही नहीं है, और कुछ बनाने की इच्छा भी नहीं कर रहा गाइस, क्या बताओ। तो बस यहाँ पे मतलब कच्चू की सब्ज़ी, दाल चावल ही बनाऊँगी और सलाद वगैरह और दही रहेगी बस खाने पर। तो ये देखिए गाइस, मेरे यहाँ मसाला पीस चुका है और मैं आप लोगों को हाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कढ़ाई बिठा दूँगी गाइस। मैं देख रही हूँ मेरे मसाला ठीक से पिसा है कि नहीं, हाँ हो चुका है। अब मैं यहाँ कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में गैस पे बैठा दूँगी और कढ़ाई को अच्छा गर्म करूँगी। तब तक मैं कच्चू को 2 से 3 पानी तक धो लेती हूँ। अब मैं इसमें सरसों, मैं अधिकतर सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, और यहाँ सरसों का तेल मैंने डाल चुका है जो कि अच्छा से गर्म हो चुका है गाइस। और इसमें मैं फ़ौरन में डालूँगी मेथी दाना, को डाल दूँगी। उसके बाद मैंने कच्चू जो धो कर रखा है, ये देखिए मैंने मेथी दाना डाला है 1/4 चम्मच, और तेल को पूरा अच्छी तरह से चारों तरफ से कढ़ाई में लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से तेल को चारों ओर से मिला दिया है मैंने, और अब मैं कच्चू को दाल में लूँगी और ढक दूँगी क्योंकि छीटा वगैरह पड़ता है गाइस। और इसको 5-10 मिनट पर चलाते रहना है, थोड़ा इसको भूनना है गाइस। ये देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से, जैसे आलू को कैसे हम लोग भूनते हैं तेल में फ्राई करते हैं, उसी तरह इसको भी भूनते रहना है। ये देखिए, अब मैं इसमें नमक और हल्दी पाउडर डालूंगी। ये देखिए, ज़्यादा इसको मैंने लाल लाल नहीं भूजा है गाइस, नहीं तो इसका जो सॉफ्टपन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं नमक हल्दी को अच्छे से इसमें मिला ली हूँ, और अब मैं जो मसाला पीस कर रखी हूँ गाइस उसको भी अब मैं डाल दूंगी, और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे मसालों को भूनना भी है हम लोगों को। ये सरसों का मसाला है गाइस, इसे बहुत ही अच्छे से भूनना है, थोड़ा भी अगर
कढ़ाई में लग जाए तो इसका टेस्ट बिगड़ जाता है गाइस। तो ये देखिए मैंने जो मसाले को पीस कर रखा हुआ है, अब मैं इसे डालकर मिक्स कर लूँगी कच्चू में। ये देखिए कितना सारा कच्चू था, बट भूजते भूजते ये कितना कम हो गया है गाइस। इसमें आलू वगैरह भी आप लोग डाल सकते हैं, अगर जिसे आलू पसंद है वो आलू भी इसमें मिक्स कर सकता है, बट हमारे फैमिली मेम्बर्स कम है, मेरा इसी में हो जाएगा तो मैंने आलू स्किप कर दिया है। ये देखिए इसको ढककर मैं आप मीडियम टू लो फ्लेम पर मसाले को अच्छे से भूनूंगी और 10 मिनट के बाद मैं देखती हूँ कि मेरा तेल दिख रहा है और मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है। ये देखिए और अब इसमें पानी डालूँगी और थोड़ा और 5-10 मिनट से इसको पका लूँगी। ये देखिए गाइस मेरा तो कचौड़ी ऑलरेडी पक चुका है, बट इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे और 5-10 मिनट के लिए अच्छे से और पकाऊंगी। इसे ढक कर और तब तक मैं चावल, एक तरफ मैंने चावल बिठाया था और दाल भी पक रहा है मेरा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है गाइस। ये देखिए मेरा सब्ज़ी लटपट एकदम, हमने नहीं बोलते हैं दाल चावल के साथ लटर पटर वाली सब्ज़ी, वही बनकर रेडी हो चुकी है। बट इसमें एक और चीज़ डालना बाकी है गाइस, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है इमली। मैंने इमली को भिंगा कर रखा हुआ है और इसे मैश कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद से मैं छन्नी से इसे छाक कर उसमें डाल दूँगी, क्योंकि इससे ना कच्चू जो होता है गाइस मुँह काटता है बहुत ही, कभी कभी कोई कोई कच्चू दिखे मुँह नहीं काटता, लेकिन कोई कच्चू जो काटता है मुँह, तो इसलिए मैं इसमें इमली या चाहे नींबू आप लोग डाल सकते हैं, मतलब खटाई डालना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। तो हमारे यहाँ का कच्चू तो मुँह बहुत काटता है गाइस, तो मैंने इसमें इमली का पानी, इमली डाल सकते हैं या नींबू डाल सकते हैं,